जबलपुर सहित देश भर में जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देर रात तक देवालयों में प्रार्थनाएं और पूजन पाठ किया गया। ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होते ही देवालय शंखों और घंटों की ध्वनि से गुंजायमान हो गए। रात भर मंदिरों में भगवान कृष्ण के जन्म का कार्यक्रम चलता रहा। जबलपुर के सनातन कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर रात भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की वो धर्म की मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करते रहे। संस्कारधानी में सभी त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। लोगों ने जन्माष्टमी के दिन अपने माथे पर तुलसी टीका लगाकर खुशी का इजहार किया। जन्माष्टमी का कार्यक्रम भगवान योगेश्वर भगवान के प्रकट उत्सव पे किया जाता है, आयोजन किया जाता है। यह जो युगल सरकार है, ये शंभू है, यमुना जी में प्राप्त है। विक्रम संवत को 1660 में स्थापित है, 422 साल हो गए। यहाँ वृंदावन प्रकट किया रहा है, इसलिए जो लोग बाहर वृंदावन नहीं जाते वो लोग तो पचमठा में भगवान का जन्मोत्सव मनाने चले आते। आज प्रातःकाल योगेश्वर भगवान का पंचित्र अभिषेक हुआ, उसके बाद श्रृंगार आरती, श्रृंगार आरती के बाद भक्तों के द्वारा पूजन अर्चन किया गया। पूजन अर्चन के बाद भीड़ चली, 11 बजे से सेनाई वादन, थोड़ी सी भजन संध्या होते हुए प्रभु का 12 बजे प्रकट उत्सव की आरती और बधाई का आनंद ले रहे हैं और भक्त लोग दर्शन की लाइन में लगे हुए। आयोजन है धर्म को प्रचार करने के लिए और भगवान योगेश्वर की भक्ति फैलाने के लिए। पुजारी अभिषेक शर्मा, पचमठा मंदिर।